हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया गया। इस पोस्ट में संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से एक नए संविधान को पीडीएफ फाइल में कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि आरएसएस देश में नया संविधान लागू करना चाहता है, जिस पर आपत्ति जताते हुए बजरंग दल से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सह संयोजक प्रवीण भाटी ने बुलंदशहर पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा का है, जहां एक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर न्यूज ग्रुप में एक नया संविधान के नाम से पीडीएफ फाइल शेयर किया था। इस संविधान में 16 पन्नों का एक दस्तावेज व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये भारत का नया संविधान है जो आरएसएस ने तय किया है। इस नए संविधान के लेखक के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम प्रचारित किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने बुलंदशहर और खुर्जा में मुकदमे दर्ज कराए हैं। कल एक मामला प्रकाश में आया था कि बुलंदशहर के एक व्यक्ति के द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज बनाया गया, जिसमें परम पूज्य संचालक के द्वारा एक नए संविधान के निर्माण की बात कही गई, जो कि बिल्कुल निराधार है। तो जिसके विरुद्ध मुकदमा बुलंदशहर में लिखवा दिया गया है, उस पोस्ट के अंदर जो उस दस्तावेज के अंदर ऐसी बातें कही गई हैं जो कि समाज को लड़ाने वाली हैं और वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाली हैं। तो ऐसी ही पोस्ट को, उसी पोस्ट को खुर्जा के एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा खुर्जा में भी वायरल किया गया, तो जिसके खिलाफ में खुर्जा नगर थाने में तहरीर दे दी गई है, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। ये एक तहरीर जो है प्रवीण भाटी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है कि सोशल मीडिया पर एक नया संविधान के नाम से कोई चीज़ को वायरल किया गया, जो रिजवान नाम के व्यक्ति ने, उसके खिलाफ जो है आईपीसी की 295 ए के तहत और आईटी एक्ट 66 के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया है और मुकदमे की जाँच की जा रही है। सर, क्या कुछ पता चल रहा है किस उद्देश्य से डाला गया, किस लिए? इस तरह के जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की नीयत से डाले जाते हैं और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं खुर्जा क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच की जा रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।